जितना है साल का बजट तेरा पाकिस्तान, उतने का हम यहाँ घास फूस लेते हैं। जितने का बम्मी और गोला तेरे पास रखा, उतना दिवाली पे पटाखे फूंक देते हैं। जितना है खून तेरी जनता में भरा हुआ, उतना हमारे यहाँ मच्छर चूस लेते हैं। जितना तू बढ़ चढ़ बोलता है पाकिस्तान, उतने आवारा यहाँ कुत्ते भौंक लेते हैं। जितना भी धुआं तेरे कारखाने देते होंगे, उतने का साधु जी चिलम फूंक देते हैं। फौजी करमवीर बोले सुन ले तू पाकिस्तान, उत्तर तुम्हें हम आज ये अचूक देते हैं। जितने की दाल रोटी खाते पाकिस्तान वाले, उतना तो हम पान खा के थूक देते हैं। रहीम, हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था, हमने सूखी हुई शाखों पे लहू छिड़का था, फूल अगर अब बिना खिलते तो कयामत करते। मैंने चंद दिन पहले फेसबुक पे एक छोटा सा मैसेज देखा था भारत के एक फौजी का, और मुझे बहुत दुख हुआ उसकी बातें सुन के। मैं सिर्फ एक दो बातें कहना चाहूंगा मोदी सरकार साहब से और वो जवान से। एक तो आपको खाना पूरी तरह मिलता नहीं है, और आप चले पाकिस्तान के साथ मुकाबला करने के लिए और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने के लिए। ओ भाई अपने मोदी सरकार से इतना तो पूछ लो कि सारी जिंदगी वो चाय बेच बेच के आज अगर आपका प्राइम मिनिस्टर बन गया है तो आप उसकी बातों में आ रहे हो, ठीक है। और मैं आपको छोटी सी बात करूं, हम तो यहाँ पे, ये देखो बर्फ हो रही है, यहाँ पे हम खड़े हैं पाकिस्तान की हिफाजत के लिए। बच्चे जब दिल करे, जब भी कहे, मैं तो नहीं कहता हूँ कि मैं वहां पे आ रहा हूँ, ये मैं नहीं कहता हूँ। और जिस तरह हम कह रहे थे कि भाई मैं आ रहा हूँ, मैं, मुझे मोदी बता दे, तुझे मोदी बताएगा, तू अपने घर जाएगा या हमारे पास लड़ने के लिए आएगा? हमें बच्चे इजाजत लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब कभी हमारे मुल्क पे किसी की तरफ से आ जाने की कोई हुई ना तो हमें किसी से इजाजत की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो क्या, जब हमने ये कुत्ता भेज दिया ना, ये कुत्ते को देख लो, तो आप लोगों के लिए ये कुत्ता ही काफी है भाई, मेरे आने की या हमारे किसी फौजी के आने की जरूरत।